डेंगू ने जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। डेंगू के शुबे में 10 मरीज निश्चर अस्पताल दाखिल। दो मरीजों में डेंगू की तस्दीक। निश्चर आइसोलेशन में 28 मरीज दे रहे इलाज। उधर बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी 24 घंटों के दौरान 6 मरीज दाखिल। डेंगू को भगाने के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का निश्चर अस्पताल का दौरा। ग्रैंड क्लीन एंड स्वीपिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। नर्सिंग हॉस्टल के साथ मौजूद जोहर का पानी ड्रेन करने की हिदायत। शहर में एयर कूलर बंद करो मुहिम जारी। मुतादिद इलाकों में कार्रवाई करके एयर कूलर बंद कब्जे में ले लिए। उधर रहीम व्यासा में डेंगू आगाही काउंटर कायम। शहरी औलिया के बासियों को बेहतर तफरीही माहौल मिलेगा। कमिश्नर मुल्तान पार्क की हालत जार दुरुस्त करने के लिए पूरा। शहर के मुख्तलिफ पार्क का दौरा। DGPSA ने जारी कामों बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की सफाई और शजरकारी बारे हिदायत जारी। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाहली। तफरीही मकाम मदनी पार्क वैरान हो गया। जाबजा मिट्टी के ढेर और गंदगी। शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। खुश झील और गैर फाल झूलों पर शहरी शिकवा गुना। पतंगबाजी के शौकीन हो जाएं होशियार। जानलेवा शौक की रोकथाम के लिए मुल्तान पुलिस इन एक्शन। शहर के बुलंद मकाम दमदमा पर हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लगा दी गई। पतंगबाजी की निशानदही पर मुतालिका अफसरान कार्रवाई करेंगे। बच्चों को महफूज माहौल देना अव्वलीन फर्ज। SP इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़। सज्जाद गुज्जर की जेर सदारत इजलास। बच्चों से जिंसी ज्यादती करने वाले मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। 24 घंटों में गिरफ्तार करके सजा देने का हुक्म। जनूबी पंजाब में अब्रे रहमत बरस पड़ी। शहरी और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। नशीबी इलाके जेरे आप राहगीरों को गुजरने में मुश्किल का सामना। बिजली की आंख मचोली भी जारी। बारिश के बाद शहरों का बाजारों का रुख। जलेबी और चाय की दुकानों पर रश बढ़ गया। अब्रे रहमत जहमत बन गई। लोधरा में तेज बारिश और आंधी। किसानों की कई माह की मेहनत पर पानी फिर गया। 60,000 एकड़ पर काश की गई मकई की तैयार फसल तबाह। काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार। हुकूमत से माली इमदाद की अपील। खानेवाल 68 माड़ीवाला में तेज बारिश के बाद नहर का बंद टूट गया। करीबी फसलें जेरे आब। रेस्क्यू अहलकारों ने 4 घंटों की काविशों के बाद शेगांव को पुट किया। बहावलपुर में बारिश ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। मेन सड़क सर्कुलर रोड बारिश से पानी जमा। पानी खड़ा होने से दुकानदारों और खरीदारों को मुश्किल का सामना। उधर बहावलपुर का लाली अड्डा भी बारिश की पानी की नजर हो गया। बसों पर चढ़ने के लिए बारिश के पानी से गुजरने पर मजबूर। मियापुर में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बहावल नगर में भी गलियां बारिश के पानी में डूब गई। राहगीरों का सड़क पर से गुजरना मुहाल। शहरियों का इंतजाम में से नोटिस लेने का मुतालबा। खानपुर के नवाही इलाका जेठा भट्टा बस्ती रईस अमीर बख्श में सिवरेज सिस्टम नाकारा। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीन म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज। सिवरेज का मसला हल करने का मुतालबा। सखरी सर्वर को टाउन कमेटी का दर्जा न मिल सका। साबिक मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया से टाउन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब समेत सुबह भर के बल्दियाती नुमाइंदगान को अहदे से हटाने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्तों पर समाप्त 4 अक्टूबर को होगी। रहीम यार खान के साबिका बल्दियाती नुमाइंदगान ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। पंजाब टीचर्स यूनियन के मरकजी सदर चौधरी सरफराज और चेयरमैन की मुजफ्फरगढ़ आमद। कहा कि सरकारी स्कूलों को बल्दियाती इदारों के हवाले करना ज्यादती है। 14 नवम्बर को एहतजाज का इंडिया दे दिया। मुल्तान पीपी 216 में नया पाकिस्तान हाउसिंग डेस्क का आखिरी रोज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शहरियों का खूब रश रहा। अब तक 5,000 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ खानपुर बगाशेर में अफसोसनाक वाकया। जेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से 2 मजदूर जां बहक और 3 शदीद जख्मी। मुतासर अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल।
मियां बीवी के माँ बहन झगड़ा, नन्हे बच्चे की जान ले गया। डेरा गाजी खान में घरेलू नासाजी पर माँ बाप में लड़ाई। संग दिलबाग ने अपने 1.5 साल बच्चे को जहर देकर मार दिया। वालिदा की मुदैयत में मुकदमा दर्ज, मुलजम गिरफ्तार। दुनियापुर में डकैती की वारदात, 5 मसल्ला डाकू 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुल्तान में आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी के सरबराह सलीमुर रहमान म्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी को इलाज की सहूलियात मुहैया न करने पर खूब बोले। जुनूबी पंजाब के मुताबिक शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सीपीओ जुबैर दरेशक का मुल्तान के मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा। सेंट मैरी और कैथोलिक चर्च के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सीपीओ जुबैर दरेशक के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के अहकाम। ड्यूटी पर मामूर तमाम अफसरान को बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट पहनने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के जवानों के लिए खुशखबरी, खिलाड़ियों को अब मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट पिचेस। मुल्तान स्टेडियम के चीफ क्यूरेटर और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बशीर कारदार का फैसल स्टेडियम का दौरा। कहते हैं मुजफ्फरगढ़ के खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, पॉलिश की जरूरत है, जल्द बाउंस पिच तैयार कराएंगे। सियाहत के फरोग के लिए मकामी टूरिस्ट बारकट की बहावलपुर आमद। बारकट का कहना है पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसकी खूबसूरती अमन पसंदी दुनिया को दिखाने के लिए लाहौर से कराची तक सफर किया। रास्ते की तमाम खूबसूरत जगहें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के लिए आम की हैं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में जानवर की अफजाइशें, नस्ल का सिलसिला जारी। नायाब नस्ल के सांबर हिरन के घर बच्चे की पैदाइश। नन्हे मेहमान की आमद के बाद चिड़ियाघर में सांबर हिरन की तादाद 5 हो गई। इंतजामिया का कहना है तादाद बढ़ने से सांबर हिरन को दीगर तफरीही मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब सुहेल अशरफ की वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर डीजी खान आमद, चिड़ियाघर का दौरा किया, शहरियों से भी मुलाकातें की। चिड़ियाघर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार, सफाई का निजाम बेहतर बनाने की हिदायत। और 29 सितंबर अमराज़ कल्ब से बचाव का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद अमराज़ कल्ब की वजूहात, अलामा, बरवक्त आगाही, इलाज और एहतियाती तदाबीर से आगाह करना है। डेंगू ने जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। डेंगू के शुबे में 10 मरीज निश्चर अस्पताल दाखिल। 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक, निश्चर आइसोलेशन में 28 मरीज जेरे इलाज। उधर बहावल विक्टोरिया अस्पताल में भी 24 घंटों के दौरान 6 मरीज दाखिल। डेंगू को भगाने के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का निश्चर अस्पताल का दौरा, ग्रैंड क्लीन एंड स्वीपिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। नर्सिंग हॉस्टल के साथ मौजूद जोहर का पानी ड्रेन करने की हिदायत। शहर में एयर कूलर बंद करो मुहिम जारी। मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई करके एयर कूलर बंद कब्जे में ले लिए। उधर रहीम व्यासाह में डेंगू आगाही काउंटर कायम। शहरी औलिया के वासियों को बेहतर तफरीही माहौल मिलेगा। कमिश्नर मुल्तान पार्क की हालत जार दुरुस्त करने के लिए पुरा। शहर के मुख्तलिफ पार्क का दौरा, DGPHA ने जारी कामों बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की सफाई और शजरकारी बारे हिदायत जारी। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की नाहली, तफरीही मकाम मदनी पार्क वैरान हो गया। जाबजा मिट्टी के ढेर और गंदगी, शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। खुश झील और गैर फाल झूलों पर शहरी शिकवा गुना। पतंगबाजी के शौकीन हो जाएं होशियार, जानलेवा शौक की रोकथाम के लिए मुल्तान पुलिस इन एक्शन। शहर के बुलंद मकाम दमदमा पर हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लगा दी गई। पतंगबाजी की निशानदही पर मुतालिका अफसरान कार्रवाई करेंगे। बच्चों को महफूज माहौल देना अव्वलीन फर्ज, SP इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़। सज्जाद गुज्जर की जेर सदारत इजलास। बच्चों से जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, 24 घंटों में गिरफ्तार करके सजा देने का हुक्म। जुनूबी पंजाब में अब्रे रहमत बरस पड़ी, शहरी और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। नशीबी इलाके जेरे आप, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। बिजली की आंख मचोली भी जारी, बारिश के बाद शहरियों का बाजारों का रुख। जलेबी और चाय की दुकानों पर रश बढ़ गया।
अब्रे रहमत जहमत बन गई। लोधरा में तेज बारिश और आंधी, किसान की कई माह की मेहनत पर पानी फिर गया। 60,000 एकड़ पर काश की गई मकई की तैयार फसल तबाह। काश्तकार मुआशी बदहाली का शिकार, हुकूमत से माली इमदाद की अपील। खानेवाल 68 माड़ीवाला में तेज बारिश के बाद नहर का बंद टूट गया, करीबी फसलें जेरे आब। रेस्क्यू अहलकारों ने 4 घंटों की कावशों के बाद शेगांव को पुर किया।